हेलो गाइस, आज हम लोग हाउ टू सॉल्व 2x2 वाला वीडियो फाइनली कर रहे हैं। तो आपको अगर पहले 2x2 सीखना है तो आपको पहले दो टाइप के मूव के कॉम्बिनेशन सीखने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं राइट हैंड एल्गोरिथम। ये आप 6 बार करोगे तो वापस क्यूब ऐसी ही हो जाएगी। तो ऐसे करते हो आर क्यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। क्यूब को पकड़िए ऐसे, इधर अपना अंगूठा और इधर अपने ये दो उंगलियां और ऐसा इधर, और देखा, और ऐसे ही उल्टा एल्गोरिथम ऐसे। ये इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम। तो इसे ऐसे करते हैं, ओ सॉरी, मैंने आपको मूव्स नहीं बताए। एल एल प्राइम यू प्राइम एल यू, ठीक है। तो आपको पकड़ना है ऐसे और ऐसे उल्टा, पहले ऐसे उल्टा और फिर उसे ऐसे रिपीट करते जाना है ऐसे ऐसे एल प्राइम एल यू, ऐसे आपको करते जाओ, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तब आगे की स्टेप करना है, वरना मत करना, क्योंकि ये दोनों एल्गोरिथम यूज़ होंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। पहले तो आप क्यूब पर स्क्रैम्बल करें, ठीक है। अब स्क्रैम्बल होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ये वाइट रेड और ग्रीन, ये जो कॉर्नर है ना, ये देखा वाइट रेड और ग्रीन, इसे आप अपने नीचे के लेफ्ट साइड पर रखिए, इधर इधर देखिए ऐसे, ठीक है। अब आपको इसके बाजू वाला ये ढूंढना है, मतलब एक ग्रीन और वाइट के साथ हो गया, उसका दूसरा कलर कुछ ये मैटर नहीं करता, वो इधर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ना ऐसे ऊपर घुमाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे होता है, तो आपको ऐसा टेढ़ा रखना है इसको, फिर ऐसे होता है तो आपको सिर्फ एक बार ऐसे करके इसको ऐसा टेढ़ा रखना है, ठीक है। इधर ये वाइट इधर भी हो या इधर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस राइट हैंड एल्गोरिथम करना है, मतलब ये आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, देखा। अब आ गया ऐसे, इधर ब्लॉक बन गया ना, ऐसे हमें बाकी के पीस के साथ करना है। अब इधर ऑरेंज वाला चाहिए तो ऑरेंज इसके पास है, तो फिर से राइट हैंड एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। अब अभी तो देखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट पीस तो है ही, ठीक है। इसी के साथ हमारी पहली लेयर सॉल्व हो चुकी है। आधी क्यूब तो आपने सॉल्व ही कर दी, लेकिन आगे की स्टेप देखना मत भूलना। तो फिर हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, और आपको ये दिख रहा है, मतलब ये हमने पहले फर्स्ट लेयर में देखा था कि वाइट ग्रीन और रेड वाला पीस हमने लिया था ना, इस बार हम लोग लेंगे येलो ग्रीन और रेड वाला पीस, और उसको ना उसके जगह में डाल देंगे इधर, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ताकि आप समझ जाए, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चाहे तो 10 बार रिवाइंड करके देख लो वीडियो। तो ये देखिए, अब ऐसे है ना, रेड ग्रीन एक बराबर है, ये है बराबर है, ये देखो ये ऐसे भी बराबर हो सकता है, ये देखो ब्लू रेड बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, ब्लू ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन गलत, ये तो पूरा ही गलत है, ठीक है। तो ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है, नहीं, ये दो सही है ये दो गलत है ना। तो हमें क्या करना है, इसे ना इनको ना ऐसे फ्लिप करना है। तो मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। तो जो सही है वो लेफ्ट साइड पर रखे और गलत है वो राइट साइड पर रखे, और जब ऐसा हो जाए तब आपको क्या करना है, आपको 3 बार राइट हैंड एल्गोरिथम करना है। ये देखा आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एक बार हो गया आर यू आर प्राइम यू प्राइम, दो बार हो गया आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 3 बार हो गया। फिर आपको क्या करना है, क्यूब को ऐसे पलटना है ऐसे, मतलब आप इधर कर रहे हो ना तो आपको इधर करना है,
ठीक है। तो और फिर तीन बार लेफ्ट हैंड एल्गोरिथम करना है, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एक बार हो गया एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू। लेकिन ज़्यादा अच्छे से देखे तो हमें एक बार ऐसा घुमाना पड़ेगा। अब देखो सारे एंगल्स करेक्ट हो गए, ये देखो ग्रीन ऑरेंज बराबर, ब्लू ऑरेंज बराबर, ब्लू रेड बराबर, ग्रीन रेड बराबर। तो अब जाते हैं अगले स्टेप की तरफ, लास्ट स्टेप हमारे क्यूब तो सॉल्विंग गाइस गाइड। आखिरी स्टेप करने के लिए आपको पहले क्यूब को ऐसे पलटना होगा। मतलब हमने पहले क्या किया, ये जो साइड है ये ऊपर, व्हाइट साइड नीचे, तो आपको क्या करना है ऐसे उसको पलटना है, मतलब व्हाइट साइड ऊपर। और आपको क्या करना है ऐसे ना, आपके राइट बॉटम राइट कॉर्नर का जो पीस होगा ना इधर, मतलब अभी तो ऐसे लाइन बन गई मेरी, लेकिन क्या क्या सिचुएशन से बताओ क्या, इधर ना एक दो आ सकते हैं ऑलरेडी, तो भी वही करने हैं बस, उनको उनकी छेड़छाड़ नहीं करना उनके साथ। मैं आपको दिखाता हूँ सिचुएशंस। तो अब इसको ऐसा फ्लिप करना है ऐसा, तो कैसे करें, तो क्यूब को मतलब आपको राइट हैंड एल्गोरिथम करने पड़ेंगे। ऐसा होगा ना, इधर फेस कर रहा होगा तो आपको चार बार करना पड़ेगा, इधर फेस कर रहा होगा तो दो बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया और हो गया, ये देखिए इधर आ गया। अब इसको मुझे इधर लाना है कैसे, तो आपको बस ऐसे नीचे वाला ये ऐसे घुमाना है, ठीक है। फिर अब दो बार राइट हैंड एल्गोरिथम, हो गया ये इधर सॉल्व हो जाएगा, आपको लगेगा सॉल्व हो गया है लेकिन नहीं हुआ है। ये देखिए ये दो पीस अभी भी बाकी है, तो आपको क्या करना है बस ऐसे लेना है, फिर से चार बार करेंगे, एक एक दो तीन चार। अब इसे भी ऐसे पलटा दो, और आपकी क्यूब सॉल्व हो गई है। आपको मैं एक एग्जांपल सॉल्व भी दूंगा, ठीक है अभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक सेकंड, आपको मैंने केस नहीं दिखाए, देखिए अब ऐसे भी हो सकता है, मैंने बोला ना ऐसे हो सकता है, या एक ही भी हो सकता है आपको, फिर वो ये देखिए अब है। देखा ऐसे सेम है, सब कुछ सेम है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके आइडियाज से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।